एक हफ्ता जिम ना जाओ ना तो बुरा हाल होने लगता है यार। तानी, ये क्या तरीका है यार? कुछ टाइम बीवी को भी दे दिया करो यार। तानी, हम बच्चे थोड़ी हैं, फिर मैच्योर एडल्ट्स। मुझे काम खत्म करना है, प्लीज दे दो। क्या है यार, क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से परेशान हो? नहीं, हरगिज नहीं। हाकिम खान हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेलो, हेलो, जी मजा भाई खूब तो होता है इस कुड़ी ने, बल्कि मैं आते करना बिस्ती करन दी अखीर कर छड़ी है। ओ बादशाह जी, ये काबू ही ऐसे आते हैं, मीडिया अब आवाम की कसर निकाल देता है। बादशाह जी, ऐसी गल दे उत्ते मैंने मौला जट फिल्म का गाना याद आ गया, रोए मानते गरूर हुण हसे मज। ओ भाई अल्ला फड़ पान खा, गाने का नाश ना मार। ओ तेरी मत मारी गई है, मत मारी गई है तेरी। क्लिप चीख चीख के बता रहा है कि वो मोबाइल कैमरे का क्लिप नहीं है। अजीज भाई, मैं खुद पीसीआर में था, रिकॉर्डिंग बंद करवा दी थी। तो तेरे बंदों ने रिकॉर्डिंग बंद क्यों नहीं की हैं? सोची समझी साजिश के तहत मुझे फंसाया गया है। इंक्वायरी कर, मुझे वो बंदा चाहिए जिसने क्लिप लीक किया है। अजीज भाई, आप भी फिक्र हो जाए, मैं चेक करता हूँ। जिसने भी हरकत की है उसको इस चैनल में तो क्या पूरे मीडिया में जॉब नहीं मिलेगी। बंद कर फोन, नवीद का फोन आ रहा है, मैं फोन करता हूं तुझे फिर। जी जी। आज आपके दुश्मन हाकिम खान का एतमाद और जीत लिया मैंने। अब आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुस के ऐसा वार करूंगा कि उसका काम तमाम हो जाएगा। ओ पुत्र रोशन, तुझे कितने सालों से कह रहा हूं मुझे गांव ले जा, तेरी माँ और तेरे चाचे की कब्र पर फातिहा पढ़ लें। गांव जाने का वक्त नहीं आया अभी अब्बा, वक्त आएगा तो ले जाऊंगा गांव। अभी दवाई खा। यार मैंने नहीं खानी, मेरे पेट में पहले ही आग लगी हुई है। दवाई नहीं खाएगा तो आराम कैसे आएगा अब्बा? शाबाश। लाखी भील के अहले खाना कहाँ हैं? किसकी निजी जेल में सड़ रहे हैं? सवालात बहुत से, जिनके जवाबात तलाश करेंगे। ये क्या, इज इट अ क्राइम शो और अ कार्टून शो? इसको कौन देखेगा? सर इस टाइम पे कोई और ऑप्शन मिलना जरा मुश्किल है। कोई न्यूज एंकर देख लेते हैं। नहीं यार, न्यूज एंकर की एक स्टीरियोटाइपिकल थ्रो होती है, शो खराब करेंगे। खैर बात आगे बढ़ी। जी सर, सूबाई मशीर दाखिला हाकिम खान ने बयान दिया है, मेरा ख्याल है मैं इंटरव्यू कर लेना चाहिए। टाइम ले लो उसे। जी सर। और होस्ट का भी कुछ कर यार। जी सर। भाई यार, वो मियाँ अजीज की वीडियो देखी तूने? बड़ा कमा मचा हुआ यार। जी सर देखिए। भाई यार, वो लड़की ने तो बहुत धोया। आई थिंक शी इज गुड, शी इज रियली गुड। सर दोस्त है मेरी मिशाल। अच्छा रियली? जी सर, बल्कि ये इंटरव्यू के बाद ही उसने अपना चैनल छोड़ा है।
अब कहाँ है वो? मुझे लगता है कि शी कैन डू द शो, व्हाट डू यू से? बिल्कुल कर सकती है। अभी मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी दोस्त है सर, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। मीटिंग करवा सकता सर? बिल्कुल करवाता हूँ। मीटिंग करवा कर। राइट वे सर। थैंक यू सर। ये लाइन्स देखिएगा। ओ यार ये सनसनीखेज है। जी जी सर। कुछ मसाला डालो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? एक बार हो गया ना, और ये दांत क्यों निकाल रहे हो? सर वो क्या वो? सॉरी सर। इडियट्स। ओ तू क्यों दांत निकाल रहा है? सॉरी सर। फोकस कर। जी सर। शिराज, शिराज। जी बॉस। ये क्या बकवास लिखी है तुमने? मैंने तुमसे 100 बार कहा है कि इसे प्रूफ रीड कर लिया करो। तुम्हारी स्क्रिप्ट कंपाइल नहीं हो रही, और ये हमारे गेस्ट का है। सर वो रास्ते में है, तब तक इंट्रो कर लेते हैं। क्या कहा? कम अगेन? सर वो रास्ते में है, तब तक इंट्रो कर लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल इंसान हूं जो मैं सुबह से यहां आके बैठ गया हूं? ना तुम्हारी स्क्रिप्ट रेडी है, ना तुम्हारे गेस्ट यहां मौजूद है, और ना ही तुम्हारे पास प्रॉम्प्टर है। ऐसे लग रहा है मैंने पूरे जहान के गमों की फाइल जमा कर ली है। लेके जाओ, और जब तक ये तीनों चीजें एक साथ ना हो मुझे मेरे कमरे से ना बुला। मैं कमों की फौज है तुम सारे, अब प्रूफ भी मैं करूं। आइए आइए प्लीज। ये जी आप लोगों का लिविंग रूम, और वो सामने बेडरूम है। आप लोग फ्रेश हो जाए, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। प्लीज कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं यार, तकल्लुफ कैसा, जो दाल साग है वो हाजिर है। बाय द वे, तुम्हारी वीडियो के काफी चर्चे हो रहे हैं। इस मुल्क में इस तरह की वीडियोस तो वायरल होती हैं। अच्छा, मेरा डायरेक्टर प्रोग्राम तुमसे मिलना चाहता है। क्यों, खैरियत है? हाँ, एक नए प्रोग्राम की ऑफर है तुम्हारे लिए। नया प्रोग्राम? वाकई? तो तुमने ये बात मुझे फोन पे क्यों नहीं बताई हुसैन? भाई अगर फोन पे बता देता तो तुम्हारे चेहरे पे ये खुशी के एक्सप्रेशंस कैसे देखता। तुम भी ना हुसैन। क्या हुआ बेटा? हुसैन ने अपने चैनल में मेरे लिए एक जॉब ढूंढी है। अच्छा हुसैन बेटा, तुम्हारे इतने एहसान किस तरह उतारेंगे हम? अरे आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप, शर्मिंदा कर रही हैं। आप लोग प्लीज बैठे, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जीते रहो। कहा था ना, अल्लाह एक दर बंद करता है तो 100 दर खोल देता है। आप वही है ना मिशाल जमील, जिसने एक सियासतदान की बैंड बजाई थी? जी सर। वो जाते हुए ना एक सेल्फी दे के जाना। जी जरूर। मेरी बीवी आपको बहुत पसंद करती है। जी जरूर। आए आए मियां साहब, आए, बॉस अभी का वेट कर रहे हैं। बस कर बस कर बस कर। मियां साहब आइए, तशरीफ रखिए। ओए रहन दे मियां साहब, कोई काम नहीं होता उस नकम्मे से। लाखों के इश्तिहार मेरी हाउसिंग सोसाइटी के उसके चैनल पर चलते हैं, और काम एक पाई नहीं देनी अब मैंने उसको। मियां साहब मुफ्त में चैनल चलाएगा तो ऐसा ही होगा ना। खैर छोड़े, ये बताइए आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं, रहन दे।
मेरे ख्याल है ठंडे की बहुत ज़रूरत है आपको। शिराज जल्दी से मियाँ साहब के लिए एक इंतहाई ठंडी चीज़ लेके आओ, बहुत ज़रूरत है। ओके बॉस। जल्दी। वेरी गुड खान जी, वेरी गुड। आप भी जख्मों पे नमक छिड़कें, कैसे ही आ रहे हैं आप यार। सॉरी मियाँ जी, शो करते करते आदत हो गई। अब मुझे ये बता दें कि करना क्या है इसका। आप फिक्र ना करें, मैंने सोच लिया। एक सिलेंडर को मैं अटैक रख के आ रहा हूं। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमारी बेटियों की तरह से देख रहे हैं। स्टार बन गई हूँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया स्टार नहीं बनना। आ जाओ। Yes. आ जाओ। सर विशाल, विशाल जमीत। अरे इनको कौन नहीं जानता। Have a seat. तो भी बैठो। Thank you. You simply knocked him out. मैंने उसका रिएक्शन देखा था। Your questions were hard hitting. Amazing. सर सारी रिसर्च और सवालात हुसैन के बनाए हुए थे, इसमें मेरा ज्यादा कमाल था नहीं। कंटेंट तो होता ही है, लेकिन यू डिलीवर्ड ब्यूटीफुल। क्यों सर? जी बिल्कुल सर। मियां जी मैंने कहा ना यार, आप फिकर क्यों कर रहे हो? ए विको खान जी, जब ये लफज सुनता हूं ना कि आप फिकर क्यों करते, मेरा दिल बैठ जाता है। वो जमशेद, उसने भी यही कहा था कि आप फिकर ना करें। बंदे की जब पग उछाली जाती है तब पता चलता है। आपसे बेहतर कौन जानता होगा। मियां साहब आपकी पग ताज़ी ताज़ी उछाली गई है, पहले हम उसे ढूंढ कर वापस उसकी जगह पर रख दें, मैं अपना देख लूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि स्कीम क्या है, प्रोग्राम क्या है, करना क्या है। भाई मियाँ साहब, गेम सबसे पहले तो ये है कि आपके चैरिटी के ऊपर एक शो बनाएंगे और उसकी पीआर मैं तानिया की फार्म को दूंगा ताकि वो उसे वायरल करें, फिर हम बाकी देखते रहेंगे। गुड। वो जो मैं गरीब बच्चियों के निकाह करवाता हूँ और जो डिस्पेंसरी चलाता हूँ ना, वो भी उसमें डाल दें। और दो तीन स्कूल हैं जो मेरे नहीं है, वो भी मेरे खाते में ना उस प्रोग्राम में डाल दें। वाह भैया साहब, अब लग रहा है आप टेंशन से बाहर आकर सोच रहे। टेंशन से बाहर मैं उस वक्त आऊंगा जब मैं उस बंदे को पकड़ूंगा जिसने मेरी फुटेज हाकम खान के हवाले की। साहब मुझे तो लग रहा है कि ये जमशेद ने कुछ हजार पैसों के चक्कर में ना आपकी वीडियो वायरल की है। और नहीं नहीं नहीं, जमशेद कमीना है, लेकिन इतना कमीना नहीं है। पक्की बात? हाँ पक्की गल है, मंगाएं अब ठंडा। तो मैं सोच रहा था कि इस तरह का मैंने काम देखा तो व्हाई डोंट यू ज्वाइन आवर चैनल। मुझे भी एक अच्छी टीम की जरूरत है और आप दोनों एक बहुत अच्छी टीम है मेरे लिए। क्यों? ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। तो फिर ऐसे करते हैं कि आपको कल आना पड़ेगा, कुछ एचआर की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करेंगे, दो तीन ईमेल्स हैं वो करके तो यू आर हियर अ पार्ट ऑफ आवर टीम। बहुत बहुत मुबारक हो मिशाल। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा थैंक यू तो हमारा भी बनता। जस्ट किडिंग। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। वो चार स्कूल है, मैं बात करके आपको बता दूंगा। साहब देखें। ओए और कुछ देखना रह गया? रह गया कुछ देखना? तेरे चैनल को अपना होम ग्राउंड समझ के आता था मैं। मियां साहब क्यों ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं अपना? यू अपना मीटर शॉर्ट ना करें। मरज सामने खड़ा होना तो खैर होती है,
औरत बर्दाश्त नहीं होती। चेहरे पे गुरूर देखा था उसके, गर्दन कैसे तनी हुई थी उसकी। मियां साहब, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जवान खून है वो, ताजा ताजा उसकी वीडियो वायरल हुई है। उसे सबक सिखाना होगा तो मैं 2 मिनट में उसे सबक सिखा सकता हूँ। औकात क्या है उसकी? वैसे वो लड़की तेरे चैनल पे क्या कर रही थी है? और वो जो लड़का था उसके साथ, वो तेरी टीम में होता है ना? मियां साहब वो होता था, मैं भी यही देख रहा हूँ कि ये चल क्या रहा है। आज पहली दफा मैंने उसे चैनल पे देखा है। नवीद जी, उस लड़की को तुम्हारे चैनल पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसको नौकरी मिल गई ना तो समझो खोता खूज गया। मियां साहब, मैंने आपसे कहा ना, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, रिलैक्स करें। आप सिर्फ कल होने वाले शो पे फोकस करें, बाकी सब मैं देख रहा हूँ। मुझे शो की टेंशन नहीं है, वो कर लूंगा मैं फोकस, बस मेरी बात याद रखनी है। हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ सर। यार क्या बात है, तुमने जब से टीम छोड़ी है तुम तो सलाम दुआएं लेना भूल गए। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ असाइनमेंट्स वगैरह में बिजी था। आपको तो पता है कि फील्ड ही ऐसी है, कुछ नया ना करते रहो तो बाहर हो जाता है बंदा। ये चैनल है ना जर्नलिज्म से बाहर होने वालों को दूसरा चांस देने के लिए, जैसे ये मोहतरमा सोशल मीडिया का छाता लेकर इस चैनल में लैंड कर गई। वैसे एक रात में मोहतरमा खूब पॉपुलर हो गई हैं। तो सोशल मीडिया ने तो बड़े बड़े लोगों को मशहूर किया। ये जो सोशल मीडिया की शोहरत का बुलबुला होता है ना, इसकी ना तो उम्र होती है और ना ही पायदारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात तुम्हारा बॉस अजमत उसको नहीं समझ आएगी, इससे तुम थोड़ा होशियार रहना। कुछ बुलबुले जितना पानी के ऊपर होते हैं उतना ही नीचे भी होते हैं। हाँ, एक गल का ख्याल रखी, मैनू किसी पासों कोई उलामा ना आवे, ठीक है? ठीक है, देख लेता हूँ जी। बेहतर। हाँ, वो अजीज वाला काम तुमने खूब किया है, मुंह छुपाता फिरता है। तुम्हें इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से अपने पास लाके मैंने अच्छा फैसला किया। आपने बड़ा मौका दिया खान साहब, नहीं तो वहां पे तो प्रेस रिलीज ही बना था। बस तो अपनी अखी तक कान खुले रख, अभी और बहुत सी जिम्मेदारियां देनी है तुम्हें। आप फिक्र ना करें, आपको मायूसी नहीं होगी। शाबाश, आपकी उम्मीद से बढ़कर ही काम होगा। गुड। आज रात को एक डिनर है हमारे यहाँ, और तुम आओ अपनी फैमिली को लेके। फैमिली में सिर्फ वालिद साहब ही हैं और तो कोई नहीं। हाँ तो उनको ले आओ। अब उनकी उम्र भी ज़्यादा है और सुनाई भी थोड़ा कम देता है, तो ज़्यादा लाता ले जाता नहीं हूँ। चलो खुद आ जाना। ज़रूर। Now it's all about damage control. हमें मियां साहब की इमेज बिल्डिंग करनी है, समझ आ गई? ये हमारा पहला टारगेट है। बॉस मेरे ख्याल में तो इनकी इज्तिमाई शादियों, लंगर खानों और डिस्पेंसरियों पे एक पैकेज करके अगर हम सेगमेंट में जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हो तुम। तुम ऐसा करो, तुम टीम को लेके जाओ और तीनों लोकेशंस पे जाके तुमने शूट करना है। औरतें बिलबिला रही हों, यानी ऐसे पैकेज मुझे देखने हैं कि जिनको देख के लोगों की चीखें निकल जाए, समझो। ह्यूमन इंटरेस्ट की स्टोरी होनी चाहिए ये, ऐसे
वीडियो के अंदर मुझे शॉट्स नजर आए, क्लोजअप्स नजर आए, किसी का हाथ अगर टूटा हुआ है या कोई औरत तकलीफ में है या कोई बच्चा रो रहा है, कुछ भी ऐसी चीज वो चाहिए जिसको देखकर ऐसे लगे कि मियां साहब से बड़ा देवता कोई नहीं है, समझ रहे हो? ओके बॉस, हो जाएगा। ओके गुड। तुम्हें जो मैंने ये अजमत साहब के बारे में कहा था, उनके बैकग्राउंड के बारे में कहा था, और ये जो लड़की मिशाल उनसे आके मिलती है, वो क्यों मिलती है, उसके साथ किस वजह से बुलाया था, इसके बारे में कुछ पता चला तुम्हें? जी बॉस। जी बॉस का क्या मतलब, आगे भी तो बढ़ो। जी बॉस, सॉरी बॉस, मैं करता हूँ इस पर वर्किंग, जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी। और ये मेरी जॉब की खुशी में मिठाई। पूरी खा लो। मैं बार बार बिजी लग रहे हो, कोई काम कर रहे हो? राखी बिल वाले केस पे रिसर्च कर रहा हूँ। राखी बिल तो काफी पुराना केस नहीं है? हाँ, क्योंकि उसके कुछ सवाल एड्रेस नहीं हुए थे। अजमत इस पे खसूसी रिपोर्ट करनी चाह रहे हैं। अजमत वैसे काफी जहीन आदमी लगता है, नहीं? ये तुमने एक ही मुलाकात में से जज भी कर लिया? हाँ, ज्यादातर फीमेल्स मेल्स को इसी तरह जज कर लेती हैं, बस समझ लो कोई नेचुरल टेंडेंसी होती है उनमें। यार ये तुम सबके किरदारों पे राय देती हो, मेरे बारे में तो तुमने कभी राय नहीं दी। मुझे बताओ ना, मैं कैसा मर्द हूँ? तुम्हारे बारे में? सच पूछो तो तुम्हारे बारे में वैसे मैंने कभी वैसा सोचा ही नहीं। तुम हो तो बस हो। क्या मतलब हो तो बस हो? तुम्हें देख के ऐसा लगता नहीं है कि तुम कोई अलग इंसान हो। ऐसा लगता है जैसे मेरी वजूद की एक एक्सटेंशन। अच्छा, और क्या डिटेल में बताओ ना। बस ज्यादा सर चढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना काफी। Congratulations, you're formally a part of our team now. Thank you so much, sir. HR ने क्या designation लिखा आपका? Anchor/reporter लिखा sir. मैंने कहा था लिखने को। पर आज से आप मेरी core team है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम वो program करें जो बाकी किसी channels पे ना हो रहे हैं। क्यों सर? जी सर, इसे बेहतर और क्या हो सकता है कि हम न्यूज़ इंडस्ट्री में मीनिंगफुल काम करें। और मैं वो चाहता हूँ यार, वो लाखी भील वाला जो शो है वो भी जल्द अज जल्द रिकॉर्ड हो जाए। व्हाट डू यू से? सर उसकी बस थोड़ी सी रिसर्च रहेगी, वो मुकम्मल हो जाए तो फिर करते हैं। आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? एक तो हुसैन की बातों में सब कुछ भुला देता है, चाय या कॉफ़ी? सर कॉफ़ी बेहतर होगी। कॉफ़ी यार हुसैन, हम तीनों के लिए कॉफ़ी तो मंगवा दो। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें ना मिल के काम करना, क्योंकि फोकस करेंगे हमें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे और आपको गाइड करता जाऊंगा। एब्सोल्युटली सर। अरे हाँ चीते, कैसा है भाई? बड़े दिनों बाद याद किया। भाई 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 भाई, तुझे तो पता है ना प्रोड्यूसरी कैसा काम है, बंदा ना घर का रहता है और ना घाट का। हाँ ये तो है भाई। और सुना क्या चल रहा है भाई? यार वो जो तुम्हारे चैनल ने छाता बरदार छोड़ी थी ना, मिशाल, मिशाल जमील, हमारे चैनल में लैंड कर रही है। क्या नवीद साहब की होते हुए? यार वो तो मियां अजीज के बड़े अच्छे दोस्त हैं, फिर भी। अब तुझे तो पता है ना इन पैराशूटरों को रोकना कितना मुश्किल होता है। खैर छोड़िए, बता कि कोई कुंडी शुंडी है इसकी? हाँ कोई खास नहीं, लेकिन है बड़ी तीखी, बच के रहें भैया। श्योर, सीवी शीवी तो होगी ऑफिस में, ज़रा एड्रेस वगैरह निकाल के भेजो मुझे। हाँ सीवी तो होगी, चल ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं भेजता हूँ। देखो मिशाल, अगर तुम्हें एक ब्रांड बनना है तो आई वॉन्ट यू टू बी अ न्यू यू, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आपका वार्डरोब चेंज करना होगा। तो हमारी स्टाइलिस्ट है रीत, वो आपकी सारी है जो ड्रेस लाइन है वो देख लेंगे। इज इट ओके? दैट वुड बी ग्रेट सर। और ये सर बड़ा अजीब सा लगता है सरकारी दफ्तरों की तरह, कम डायरेक्ट विद द नेम। यस सर, अजमत सर।
हाँ भाई, क्या बना हमारी कॉफी का? बस आ रही है सर। एक और आ गया सर कहने वाला। तो फॉर द टाइम बीइंग आप दोनों को वर्किंग स्पेस शेयर करनी पड़ेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर, फाइन। यार इसके प्रोग्राम का प्रोमो ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा लगे, व्हाट डू यू से? जी बेहतर सर। चलो गुड, कॉफी इज़ हियर। क्या कर रही हो मिशाल? एक भी कागज गुम हो गया तो चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुमने अपने कैबिन का क्या हाल बनाया हुआ है? इंतहाई अनऑर्गेनाइज्ड। काम करने वाले बंदों के कैबिन ऐसे होते हैं। सुस्त और अनऑर्गेनाइज्ड बंदों के कैबिन भी ऐसे होते हैं। अच्छा कैबिन की बहस छोड़ोगी, आओ तुम चैनल का राउंड करवाऊं, फिर आके मॉक प्रोमो भी रिकॉर्ड करवाना है। प्रोमो आज रिकॉर्ड कराना है? लेकिन यार अभी तक तो मैं तैयार भी नहीं हुई। हो जाओ ना, इसमें कौन सी देर लगती है। तो न्यूज रूम से स्टार्ट करें? चलो। और बोलता नहीं हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, आखिरी बार शो के सिस्टम पर मेरे साथ जबरान साहब थे और मैंने ही उन्हें कहा था कि फोल्डर खाली कर दें, ये काम उसी रात ढला है सर। तेनू मैं चपेड़ा मारनिया सर, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं। उस कमरे में जो भी हुआ है उसका जिक्र किसी से नहीं होना चाहिए, समझ गए? पारे करो इनो, यदि तो चोरी का पर्चा दर्ज कराओ। ठीक हो गया सर। सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। खुदा के लिए सर, खुदा के लिए मुझे जाने दें, मैं इसका जिक्र किसी से नहीं करूंगा सर। चल दफा आ जा, तो दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाई। चलो आ जा, आ जा, आ जा। चल गल सुन। जी सर। कॉल लिस्ट चाहिए, कॉल लिस्ट एक घंटे के अंदर अंदर। हो गया सर। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ठीक। छेती और पूरी राजदारी के साथ। समझे, हो गया काम। मैं मियां अजीज को नाराज नहीं कर सकता। चलो जाओ। बैकलाइट बहुत हार्ड है, सॉफ्ट करो इसे। 216 लगाओ इस पे। हाँ ये ठीक है। कमाल है ब्रो, आप इस पर लाइटिंग क्यों करवा रहे हैं? मुझे कहा होता। चल भाई निकल। उस्ताद मोहतरम, मुझे शर्जील ने बताया आप लाइट करा रहे हैं, स्क्रिप्ट तो मिला ही नहीं मुझे, करना क्या है? आप इस मिशाल को जगा दें प्लीज। आप इस सेट से बाहर आ जाएं प्लीज। ठीक है, बाहर एक साइड से। हुसैन टेक से पहले दो चार बार रिहर्स कर ले लाइंस, दो चार बार लाइंस रिहर्स कर ले। हाँ करते हैं। क्या हुआ डूड, मुंह क्यों लटका हुआ? गई नौकरी गई। वो लड़की याद है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी? वो मेरी जगह आ रही है,
आ नहीं रही डूड, आ चुकी है, क्या समझे? मेरा क्या होगा यार? और कुछ नहीं होता तुम्हें, हुसैन की जगह टीम में खाली है, नवीद खान को कह के तुम्हें रख लूँगा। ब्रो वो किसी तरह मेरी नौकरी बचा ले। अच्छा उसको छोड़, एक एड्रेस SMS कर रहा हूँ तुम्हें, ये इस पैराशूटर का है, ज़रा पता तो करो कि क्या स्टोरी है इसकी, कौन है, कहाँ से आई है, इर्द गिर्द क्या है, लेकिन ज़रा ध्यान से। उस लड़के के कहने के मुताबिक जबरान एडिटिंग रूम से निकला है 11:30 बजे। हाँ जी। और CCTV फुटेज के मुताबिक 11:40 पे निकला है। जी। और ये कॉल हुई है 11:33 पे। है कितना नंबर है सब पता लगवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। आज जबरान भाऊ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक सर, आप कैसे हैं? फोन दो अपना। फोन? फोन दो। क्या हुआ सर? खैरियत है? क्या नंबर था वो? सर 0398-044-6147। हाँ जबरान। हेलो रोशन है ना बेटा? इसको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब ये PRO भर्ती हुआ था। उससे पहले ये मेरे अखबार में रिपोर्टर था। इसकी आवाज़ कैसे भूल सकता हूँ मैं? बहुत चलाकी किया तुमने अपनी तरफ से। कॉल लिस्ट डिलीट कर दी। तुमने सोचा मुझे तो पता ही नहीं चले। तुम ये भूल गए और बेवकूफी कर दी। कॉल कंपनी के नंबर से नहीं करनी चाहिए थी, है ना? सर, एक दफा मेरी बात तो सुन ले सर। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है सर। जबरान, बाड़ की छोटी सी दुकान से इतना बड़ा चैनल खड़ा किया मैंने, मेरे साथ दो नंबर। सर अल्लाह का वास्ता है, एक दफा मेरी बात। मेरे साथ दो नंबर की तुमने? लाखी भील केस, उसके अहले खाना को जमीन खा गई या आसमान निगल गया? इंसाफ की तलाश में दरबदर ठोकने खाते हुए लाखी भील को 5 साल गुजर गए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए उठाएंगे सवालात और देंगे उनके जवाबात और बेनकाब करेंगे कुछ नए चेहरे। तो देखिए हमारा खसूसी प्रोग्राम लाखी भील को इंसाफ दो। ईमेल आई है रिगार्डिंग आउटडोर प्रोडक्शन की, कुछ डिटेल्स नहीं बताई आप? सर मेंशन तो किया ना मैंने, प्रोग्राम के लिए एक स्पेशल रिपोर्ट शूट करनी है। तो उसका स्क्रिप्ट भी शेयर कर देना चाहिए था आपको। सर स्क्रिप्ट तो बाद में लिखा जाएगा ना, चैरिटी के आलमी दिन पे है, मियाँ अजीज़ की समाजी खिदमात पर शो के लिए एक पैकेज शूट करना है। अभी मियाँ अजीज़ की वायरल वीडियो का चर्चा ख़त्म नहीं हुआ और आप उनकी नेकनामी पे शो करने जा रहे हैं, गुड। ये तो फिर आप नवीद साहब से पूछें। नवीद साहब से कहें कि मुझसे आके मिले, मैं डायरेक्टर प्रोग्राम और प्रोडक्शन टीम उस वक्त आउट करूंगा जब मैं समझूंगा कि ये शूट शो के लिए जरूरी है या नहीं। ओके सर। लाखी भील केस, उसके अहले खाना को जमीन खा गई या आसमान निगल गया?
इंसाफ की तलाश में दरबदर ठोकरें खाते हुए लाखी भील को 5 साल गुजर गए। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए उठाएंगे सवालात और देंगे उनके जवाबात और बेनकाब करेंगे कुछ नए चेहरे। तो देखिए हमारा खुसूसी प्रोग्राम लाखी भील को इंसाफ दो। नहीं 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 हुसैन, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये तो वही पुरानी वाली स्कार्फ भी कहा जा रहा है और फिर एक प्रेजेंस होती है, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। शायद ये करंट अफेयर्स का शो है, इसमें कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही मैटर करता है। हाँ लेकिन लुक्स भी कंटेंट का ही हिस्सा है, हम दोनों चीजों को अलग तो नहीं कर सकते। लंबी बहस है यार मिशाल, तुम्हारी वार्डरोब आएगी तुम्हें ठीक लगेगा, मुझे तो अभी भी ठीक लग रहा है। हाँ ये भी पॉइंट है, हो सकता है प्रॉपर वार्डरोब नहीं पहनी इसलिए मुझे शायद इस तरह फील हो रहा है, लेकिन आई थिंक फिर भी हमें एक बार अजमत को दिखा लेनी चाहिए वीडियो ऑन अ सेफ साइड, आई थिंक ही हैज अ नैक फॉर इट। ठीक है, हमारे पास अभी भी 15 मिनट है, तुम्हें एक और टेक करना है वरना फिर मैं अपना मेकअप रिमूव करूँ, मुझे अपने स्टाइलिस्ट के पास जाना है। मेरा ख्याल है तुम अपनी स्टाइलिस्ट से मिल लो, मुझे एक जरूरी काम जाना है। ठीक है। दो स्लॉट्स में हम बहुत पीछे हैं, हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तुमने मुझे प्रोडक्शन टीम देने से क्यों मना किया? अजीज की वीडियो भी वायरल हुई है, थोड़ी देर के बाद प्रोग्राम कर लेना। तो तुम्हें यानी उस वायरल वीडियो से मसला है या फिर उस वायरल वीडियो की एंकर को भर्ती करने का मसला है? उसमें टैलेंट था तो रख ले। हाँ तो टैलेंट तो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स में भी है, उनको भी साफ ही रख लो ना। लिसन इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद मी तो मेरे साथ मुकाबला जरा ढंग से करो, मुझे भी मजा आएगा, देखता हूं मेरी प्रोडक्शन टीम को कैसे तुम रोकते हो। क्या देखा बे काम कर।